Okay, yesterday we were discussing about the periodic classification of elements. Mein we discussed the properties of the periods and the groups, hai na? Characteristics or the properties of the periods, you can say, or the groups, in which we discussed the first two characteristics. I am again going to revise characteristics of period. Characteristics of पीरियड्स वी वर डिस्कसिंग, ठीक है जी. इनमें मैंने आपको बोला था कि सिक्स करेक्टर्स वी हैव टू डिस्कस. दिस सिक्स करेक्टर्स, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द पीरियड. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. दिस इज द थर्ड पीरियड, राइट? राइट डाउन द थर्ड पीरियड एंड देन एटॉमिक नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 एंड 288, राइट? First characteristic we discussed, that is the valence electron. First characteristic, that is valence electrons, right? As yesterday I told you, on moving this line, you will write down when you have to explain the character, you will write down on moving from left to right. On moving from left to right in a period, theek hai ji? On moving from left to right in a period, valence electron goes on increasing. You can see, pehle 1 hai, 2 hai, then 3, 4, 5, 6, 7 and 8. On moving from left to right in a period, valence electron goes on increasing. ठीक है जी? यही हमने करा था, ठीक है? सेकेंड हमारा करेक्टर है, दैट इज वैलेंसी. सेकेंड इज वैलेंसी, राइट? वैलेंसी मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट मींस हाउ मच, मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट विल लूज और गेन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, है ना? तो इट इज, इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन, इट विल टू, थ्री, then minus 3, minus 2, minus 1 and 0. This is what? This is valency. This is what? This is valency. That is the combining capacity of an element. So on moving from left to right in a period, first valency goes on increasing and then it goes on decreasing. First valency goes on increasing and then it goes on decreasing. Is it clear? First the valency goes on increasing and then it goes on decreasing. This is called valency. This is what? This is the valency of an element. That is, first it goes on increasing and then it goes on decreasing. Is it clear? ठीक है? Then write down the third point, that is size of atom. Now we are going to discuss size of atom. बच्चा पहले इसके लिए ये देखो कि व्हेन आई एम सेइंग यहाँ पे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, है ना? इफ आई एम मेकिंग दिस सोडियम 2, एट, है ना? थर्ड शेल में वन इलेक्ट्रॉन. एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग. दैट मींस हर बार शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं. शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए. व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, मतलब एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल, ठीक है? एज द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, दैट मींस अगर इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट आर द, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स. हमें इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं? प्रोटॉन्स के, राइट? एज द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, सेम शेल में
इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, दैट मींस यहाँ पे प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं. अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी ऐड हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में ऐड हो रहे हैं तो प्रोटॉन्स यहाँ आ रहा है. ठीक है, फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन था वो अपने शेल में था, दो हो गए उसी में आ गया, थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट, मतलब थ्री फोर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल. ठीक है, प्रोटॉन्स आर ऑल्सो इंक्रीजेस. अब प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो व्हाट दे विल डू इफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग, दे विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. मोर चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो साइज ऑफ एटम गोज ऑन डिक्रीजिंग. इज इट क्लियर बच्चे, किसी को समझ आया है? नहीं आया देन प्लीज आस्क. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज ऑफ एटम goes on decreasing, size of atom goes on decreasing, reason likho, size of atom goes on decreasing, chaliye reason likho iska, on moving from left to right in a period size of atom goes on decreasing, kyun hota hai, due to large positive ion, due to large positive charge, due to large positive charge on the nucleus, on the nucleus, positive charge on the nucleus, electrons are pulled, जो positive charge बढ़ गया तो electrons are pulled in near to the, electrons are pulled in more close to the न्यूक्लियस, पुल्ड इन मोर नियर टू द न्यूक्लियस ड्यू टू द लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इन मोर नियर द न्यूक्लियस. इज इट क्लियर? दैट्स वाई साइज ऑफ एटम गोज ऑन डिक्रीजिंग. एनी वन having any doubt ki why size of atom goes on decreasing, yahi ek confusion hoti hai, because electrons increase ho rahe hain to mind mein hota hai the size of atom goes on increasing, nahi, but the size of atom goes on decreasing because the electrons are added in the same shell and due to the large positive charge in the nucleus it will attract the electrons towards itself and the size of atom goes on decreasing. Clear? Then write down the fourth point, metallic character. Write down fourth point, that is metallic character. Fourth point, what is the meaning of the metals and the non-metals? But we will say metals kya hote hain? Anyone will tell me what are metals? हाँ जी दिव्यांश, अनम्यूट योर सेल्फ. दिव्यांश अनम्यूट करो. तान्या अनम्यूट करो. मैम मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. ओके सक्षम अनम्यूट योर सेल्फ. दिव्यांश म्यूट कर लो.
okay. Now, as you are saying, the metals are the electropositive. Electropositive का मतलब क्या है? How they acquire the electro? मतलब why we are saying the electropositive? When metals जो है, when they will lose electron and acquire positive charge. Plus one, it is easy to remove the plus one. मतलब एक electron छोड़ना easy है. Two, three. यहाँ पे आके इट इज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज हाफ ऑफ द नंबर विल बी देयर तो इट्स नॉट इजी टू लूज फोर इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर दैट दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ठीक है मेटल्स जब अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो उनको उनके ऊपर एक मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड नॉन मेटल्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं दे गेट द नेगेटिव चार्ज ऑन इट सो मेटालिक करैक्टर यू कैन सी फ्रॉम हियर द मेटालिक करैक्टर इट गोज ऑन पहले क्या हो रहा है मेटालिक करैक्टर में मेटालिक करैक्टर क्या हो रहा है मेटालिक करैक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग नॉन मेटालिक करैक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग मेटालिक करैक्टर सो राइट डाउन बच्चा समझ आ गया ना कि दीज आर मेटल्स बिकॉज दे विल लूज इलेक्ट्रॉन तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है वहां पे नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है इज इट क्लियर बेटे सिर्फ बीच में ये जो है दिस इज मेटालॉइड राइट सो राइट डाउन ऑन मूविंग फ्रॉम left to right in a period metallic write down metallic character goes on decreasing and non metallic character goes on increasing so we can say yahi jo hai ye metallic character ye metals hain matlab isme highly hai ye non metals metallic character goes on decreasing and non metallic character goes on increasing is this point clear beta क्लियर है सबको नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल फिफ्थ करैक्टर दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी केमिकल रिएक्टिविटी का मीनिंग क्या है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी दैट मीन्स How the metals they are chemically react to form a compound. कैसे वो जुड़ के new compounds बनाते हैं That means if they are very easily react with the other, जैसे sodium and chlorine है Sodium needed to lose one electron, chlorine need one electron to complete. तो easily they can combine. ठीक है That is called the chemical reactivity. How they are readily react to form a compound. So you can easily see from this one that is plus one. It can easily lose its one electron. Then two, then three. धीरे धीरे कम लेने easy हो गए. तो chemical reactivity में this is ये जो है हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है very reactive है ना because it can easily lose its one electron. ये very reactive है. In the same way this one is very reactive क्योंकि it can easily take one electron. Easily take one electron. So that means this is very reactive. धीरे धीरे reactivity goes on decreasing and then it goes on increasing. Chemical reactivity का meaning समझ आ गया कि how they are easily or readily combined with one another to form a compound. That is called chemical reactivity. And on moving from हाँ जी तान्या एक मिनट हाँ जी unmute करो तान्या मैम आपने बोला जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो
पहले डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है, तो जो लास्ट में नोबल गैस है वो तो दे विल तो नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन, बट एज वी आर राइटिंग द कंपाउंड तो वो हम लिख लेते हैं. हम वी विल डिस्कस फ्रॉम द सोडियम टू क्लोरीन, बट दिस इज द थर्ड पीरियड तो आई हैड रिटन. आप छोड़ सकते हो आर्गन को, यहाँ मत भी लिखो, वो फर्स्ट टू करेक्टर्स में लिख लो, लीव दिस वन. मतलब एज वी आर सीइंग इन केस ऑफ द, बिकॉज आर्गन जो है दैट इज अ नोबल गैस, जीरो ग्रुप है, इनर्ट है, दैट विल तो नॉट पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? मेटल्स एज वेल एज द नॉन मेटल्स. So on moving from left to right, chemical reactivity goes on decreasing and then it goes on increasing. Clear, Tanya? Yes, ma'am. Okay, so write down. On moving from left to right, in a period, chemical reactivity goes on decreasing and then increases. दोनों के जो shores पे like corners पे हैं, these are highly reactive. Rest of them they are showing the decreasing or the increasing effect. Clear? This point is clear. तो हम next discuss करते हैं. Six characters हैं. Five we discussed. Only one character is there. That is the nature of oxide. Six character now we discuss. Nature of oxides. क्या हो रहा है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में? यहाँ पे देखो आप लोग, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड? जो मेटल्स होते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस मेटल्स आर, हमने ये करा था बीएमओ वी डिस्कस्ड. मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, है ना? मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. तो व्हाट इज सोडियम की नेचर क्या है? सोडियम इज लाइक क्या बनाएगा? और अगर इफ यू वांट टू लर्न इट दैट क्लोरीन से हम क्या करते हैं? एक तो हमारे पास होता है NaCl, सॉल्ट हो गया. दूसरा, हां जी दिव्यांश बोलने कुछ? दिव्यांश अनम्यूट करो. दिव्यांश अनम्यूट योर सेल्फ बेटा. ओके, तो क्लोरीन से वी आर हैविंग द NaCl. दूसरा क्या होता है? HCl. HCl क्या है? एसिड. वैसे भी यू ऑल ऑफ यू नो दैट मींस सोडियम जो है दैट इज बेसिक इन नेचर एंड क्लोरीन जो है वो है एसिडिक इन नेचर, है ना? तो यानी कि बेसिक करैक्टर डिक्रीज, एसिडिक करैक्टर इंक्रीज. ये जो है हमारे पास सोडियम, ये जो है ये हाईली बेसिक एंड क्लोरीन जो है हमारे पास हाईली एसिडिक. ठीक है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस and acidic nature of oxides increases. ठीक है, is it clear? These are the six characters of the periods: valence electron, valency, size of atom, metallic character, chemical reactivity and nature of oxides. Any doubt? Okay.